हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस टॉपिक को स्टडी किया था। एक चार्ज पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। एक मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है, जिसके लिए एक्सप्रेशन होता है F इज़ इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ओके। वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है, इससे हमें पता चलता था कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ओके, और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई होगी, ओके। तो इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम चार्ज पार्टिकल की जगह एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ओके। अब हम एक मूविंग चार्ज को मूविंग चार्ज की जगह एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ओके। तो जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके, और फोर्स एक्सपीरियंस करने से ये डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, ओके, या तो ये इस साइड जा सकता है या इस साइड जा सकता है, ओके। तो अब देखिए, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो करंट क्या होता है, ठीक है, करंट होता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट में वंस अगेन यहाँ पर चार्ज ही मूव कर रहा है, ओके। जैसे हमने एक चार्ज के लिए लास्ट जो हमने लेक्चर में देखा था, तो हम उसमें क्या कहते थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये आपका वेक्टर भी है, अगर कोई चार्ज मूव करता है, इफ़ अ चार्ज इज़ मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर एक ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगी, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने करंट बोल दिया तो इस कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा कंडक्टर है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके। तो हमने उस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ देखते हैं हम, अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट, ओके। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जिस साइड को आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट होती है, ओके। तो व्हेन सच अ कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ईच इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन को क्या, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इनसाइड मूव कर रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगी, एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, एक उसको एक वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, ओके। तो हैंस द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो दिस इज द कंडक्टर, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, अब देखिए यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई गई हैं, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस
एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं यहाँ पे। अब ये एक्सिस क्यों बनाई हैं, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है एक एक्सिस से, दूसरे से करंट की डायरेक्शन बतानी है। ओके, तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो जेड एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे इस तरह से जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये हमारा कंडक्टर है और कंडक्टर में जो करंट है दैट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की है और करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आई। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी, फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। बोलने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो यहाँ पर इस तरह से जो कंडक्टर को जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, तो बोलने का मतलब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन इस तरह से थी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आपने कंडक्टर को रख दिया जहाँ जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, और ये इस तरह को इस ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलॉन्ग ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को क्या लगेगी, इसको फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स क्या है, इससे और इससे दोनों से ही क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहीं पे हम देख रहे हैं, इसको आगे करते हैं डेरिवेशन को। कंसीडर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर पी क्यू। ठीक है, हमारा जो कंडक्टर है ये क्या है, सिलेंड्रिकल है इस तरह से। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। ओके, और लेंथ क्या है, लेंथ इज एल। ओके, कैरिंग करंट आई। ठीक है, आई करंट कैरी कर रहा है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द करंट आई इज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, करंट आई इस तरह से फ्लो कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देख रहे हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, जो देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बोल रहे हैं ना। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, बोलने का मतलब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द कंडक्टर इज ट्रांसमिटेड टू द कंडक्टर एज अ होल। ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें, और इलेक्ट्रॉन जो ये जो नेगेटिव है ये क्या है, ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, वो इस तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह को मूव कर रहे हैं तभी तो आपका करंट इससे अपोजिट हम मानते हैं, कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर पता है, अगर आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर को, जिससे पिछले लेक्चर है, उसमें मैंने एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स होती है, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस साइन लगा दिया है ना, नेगेटिव चार्ज की बात नहीं आएगी यहाँ पर। बोलने का मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स हमने निकाली थी ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो मेरे को यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ा। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज मानना है, अगर फोर्स ऊपर लग रही है, मान लीजिए यही चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स नीचे की तरफ लगती। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। अगर इसको मैं एफ बोल रहा हूँ तो इसको माइनस एफ बोलना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज़ क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ओके, अब यहाँ पे क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसलिए यहाँ पे बी डी लिखा हुआ है, बी डी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके,
तो ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बहुत सारे। ओके, तो इफ़ द एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, ये जो अब कंडक्टर है इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इस पूरे कंडक्टर का कुछ वॉल्यूम होगा, पर हम कह रहे हैं कि एन क्या है, एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में। ओके, मान लीजिए अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स एन है पूरे कंडक्टर में, तो अगर मैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दूं इसका, तो ये कह जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल एन। ठीक है, तो मैंने बोला एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे ये जो कनेक्टर है ये इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया ये, ऐसे, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ये इसका एरिया है और ये इसकी लेंथ है, तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन अपॉन ए एल। ठीक है, वॉल्यूम को हम एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एन क्या, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने आपको कहा कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो कितना है, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो कैपिटल एन हो जाएगा स्मॉल एन इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन विच इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, तो कैपिटल एन को नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल कंडक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। ओके, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, ये तो फोर्स थी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर उसकी हमें टोटल फोर्स मिल जाए तो वही आपके टोटल कंडक्टर के ऊपर फोर्स होगी। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि एफ एम क्या है, एफ एम इज़ द फोर्स ऑन, ये एफ एम जो है दिस इज़ फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कैपिटल एन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी ऑन द कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने कैपिटल एन की वैल्यू एन ए एल लिख दी है और ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, एफ एम की वैल्यू, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये कुछ इस तरह से आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, अब हमारे पास फाइनली बन रहा है इस तरह से एन ए एल ई वी डी क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जो करंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन होता है कुछ इस तरह से, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ओके, अब हम दोनों साइड एल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस साइड भी एल मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी एल से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पर आई इंटू एल आ रहा है। तो ये जो आई इंटू एल है ये क्या चीज़ है, आई इंटू वेक्टर एल, ठीक है, ये जो आई एल है इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू वेक्टर एल रिप्रेजेंट द करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, यहाँ पे अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है, इसकी ये कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है, और जो आई है करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। देखिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं वेक्टर आई नहीं लिख सकता हूँ। अगर मेरे को करंट की डायरेक्शन बतानी है तो मैं ऐसे वेक्टर आई नहीं लिख सकता हूँ, ये गलत तरीका हो जाएगा, बिकॉज करंट इज़ अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर्स के लॉ होते हैं वो करंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, दैट इज़ वाई करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट को हम वैसे यहाँ पे डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये जो इसकी लेंथ है ये करंट की
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसलिए मैंने हमने यहाँ पे आई के साथ वेक्टर एल लिख दिया है। ओके तो जो इसकी लेंथ होगी अक्रॉस द लेंथ हम बोल देंगे वेक्टर एल, तो वेक्टर एल जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। ओके तो तभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था आई इंटू एल, ये जो आई इज इक्वल टू एन ए बी डी था, हमने इसमें एल दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ओके आई इंटू एल बना दिया और इसको यहाँ पे वेक्टर में लिख दिया। ठीक है, इस साइड राइट हैंड साइड में यहाँ पे वेक्टर एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया एंड बी डी ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया इलेक्ट्रॉन का। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है एन ई ए बी डी इंटू एल, ये आपका यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी मेरे पास एन ई ए बी डी हमारे पास है। ओके तो ये सारी चीज़ें जब हमने यहाँ पे रखी तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको, ये सारा एक्सप्रेशन कहाँ पे है, यहाँ पर। ओके तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आई इंटू वैक्टर एल, ठीक है, बी डी क्रॉस बी था ये, ठीक है, तो बी डी की जगह किसने ले ली, वैक्टर एल ने। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इतना पोर्शन है एन ए एल ई बी डी, ठीक है, ये यहाँ पर भी है, ठीक है, इसकी जगह हमने आई इंटू वैक्टर एल हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके तो हमारे पास आ गया जो टोटल फोर्स है कंडक्टर के ऊपर, दैट इज़ आई इंटू वैक्टर एल क्रॉस वैक्टर बी। ठीक है, एल क्या है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और ये जो वैक्टर एल है यही करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके अब मैग्नीट्यूड वाइज अगर हमें देखना है तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, वैक्टर एल क्रॉस वैक्टर बी ये क्या बन जाएगा, एल बी साइन थीटा। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स होती है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ओके और थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा एंगल है वेक्टर L और वेक्टर B के बीच में। ओके मान लीजिए अगर आपका कंडक्टर कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोलने का मतलब इनटू द स्क्रीन, आपके फ़ोन की स्क्रीन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना है, ये आपका वेक्टर लेंथ इस तरह से है ना, ठीक है, तो ये वेक्टर एल है, तो एल और बी के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। ओके ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब मैंने कंडक्टर को रख दिया कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है, इस तरह से कंडक्टर को रख दिया यहाँ पे, तो इसकी ये लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ ही क्या है, एक लेंथ एक वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे दिस इज़ द एंगल, ठीक है, कुछ थीटा एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, 90 से ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे वैसे तो, ठीक है, अगर आपका करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है ऐसे, ओके तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक थीटा एंगल है, ठीक है। ओके तो ये एल और लेंथ और जिस तरह से भी हमारा कंडक्टर प्लेस होगा वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या तो 180 डिग्री होगी, ठीक है, वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच में जब एंगल 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ओके मान लीजिए हमारे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, और कंडक्टर को भी रखा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, आई, तो वेक्टर एल भी इसी की ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एल और बी के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, तो कंडक्टर को कोई फोर्स महसूस नहीं होगी, ठीक है। 180 डिग्री बोलने का मतलब क्या हो गया, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है, कंडक्टर तो यही है आपका, ठीक है, बट करंट फ्लो कर रहा है ऐसे आई, ठीक है, तो इसका वेक्टर एल भी जो इसका लेंथ वेक्टर होगा वो भी इसी करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसका तो दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, ठीक है, तो वंस अगेन फोर्स कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। और
सेम प्रोसीजर है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का. ओके, तो जो मैंने आपको मूविंग चार्ज में बताया था वैसे ही आपने करना है. कैसे करना है, मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आपके फ़ोन की स्क्रीन के अंदर जा रही है. ये जो क्रॉस क्रॉस होते हैं, बोलने का मतलब फ़ोन के अंदर स्क्रीन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ओके, अब यहाँ पर हमने रख दिया कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये कंडक्टर रख दिया. तो कंडक्टर में जो करंट है वो इस तरह से आई, इस तरह से फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो आपने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखना है, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड पाम यूज़ रूल करेंगे हम, यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम, पाम रूल बोलते हैं, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था. अब आपने क्या करना है, अपने हाथ की जो चारों फिंगर्स हैं, ठीक है, थंब को छोड़कर जो चारों फिंगर्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो चारों के चारों फिंगर्स एक साथ मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है. ठीक है, तो बोलने का मतलब आपकी चारों फिंगर्स फोन के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, है ना. आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया, थंब को रख दिया करंट की डायरेक्शन में. ठीक है, जो थंब है वो करंट की तरफ डायरेक्शन करनी है उसकी. ओके, तो आपका जो हथेली है, जो आपका पाम है, वो आपका इस तरफ ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा ऐसे. तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जो ये कंडक्टर है इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ऐसे ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा. बात समझ गए, ठीक है. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा ऐसे थोड़ा कम कम बनाता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा इनटू द स्क्रीन ही जा रही है, बट अब ये हमारा कंडक्टर है. अब जो आपका कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, ये आपका आई फ्लो कर रहा है. अब आपने दोबारा देखो, सबसे पहली बात, जो हमारे हाथ हाथ हमारे राइट हैंड की जो चार फिंगर्स हैं वो हमने रख दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है, ऐसे पॉइंट आउट कर लें, दोबारा परपेंडिकुलर ही होंगी स्क्रीन से. ठीक है, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड फ़ोन के अंदर जा रही है, तो आपने अपनी जो फोर चार फिंगर्स हैं हाथों की, वो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देनी है. ओके, अब आपका करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में. अब करंट की डायरेक्शन में आपने क्या करना है, अपना थंब कर देना है इस डायरेक्शन में. ठीक है, जब आप थंब को इस डायरेक्शन में करोगे तो आपका राइट हैंड का जो पाम है, जो हथेली है, वो नीचे की तरफ ऐसे पॉइंट आउट कर रही होगी. तो बोलने का मतलब इसको फोर्स लगेगी नीचे की तरफ. ओके, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल. ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी होता है. ठीक है, चलो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी डिस्कस कर लेते हैं. अब मैंने अब फ्लेमिंग इसी का ही यूज़ करते हैं, हम इसी एग्जांपल को देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फ़ोन की स्क्रीन के अंदर. ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है. कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है, जो वेक्टर एल है, ठीक है, वो है इस तरह से, ये जो हमने अभी किया. अब लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, अब लेफ्ट हैंड की जो तीन फिंगर्स होती हैं, कौन सा, थंब के साथ वाली फिंगर, उसको बोलते हैं फोर फिंगर. ठीक है, और उसके साथ वाली होती है उसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, जो सबसे लंबे वाली फिंगर होती है. तो लेफ्ट हैंड की जो फोर फिंगर है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है. ठीक है, वो जाएगी आपकी अंदर की तरफ. ओके, उसकी तरफ आ गई हमारी लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, जो थंब के साथ वाली होती है. तो वो ऐसे जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपके स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है, फ़ोन की स्क्रीन के अंदर जा रही है, तो उस डायरेक्शन में आपने फोर फिंगर को रख लिया. ओके, और करंट को आपने रख लिया, जो मिडिल फिंगर है उसको आपने करंट की डायरेक्शन में कर देना है. सबसे पहली बात, तीनों फिंगर्स 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए. ठीक है, तीनों फिंगर्स 90 डिग्री के एंगल पे, कुछ इस तरह से. ये मान लीजिए हमारा थंब है, एक मिनट, यहाँ पर चलिए मैं दोबारा बनाता हूँ. ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, करंट इस तरह से कंडक्टर में फ्लो कर रहा है आई. ओके, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ. अब आपकी जो मिडिल फिंगर होती है सबसे लंबे वाली, वो आपने रखनी है करंट की डायरेक्शन में, रख दी. जो आपकी फोर फिंगर है जो थंब के साथ वाली होती है, ठीक है, छोटी सी फिंगर जो थंब के साथ होती है, लेफ्ट हैंड की फिंगर, है ना,
उसको आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में अंदर की तरफ, अब यहाँ पे बन नहीं सकती है, बोलने का मतलब ये अंदर की तरफ जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दिखेगी नहीं, ओके। तो आपका जो थंब होगा, ठीक है, ऐसे है, अगर आपका जो आपका थंब होगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका जो थंब होगा वो आपका नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, ऐसे जो आपका थंब है ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा। तीनों थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन ये है, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट करेगा उसी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगी, बात समझ गए, ठीक है। इसको आपने प्रैक्टिकली करके देखना है। ये आपका थंब हो गया, ठीक है, थंब ऐसे हो गया, ये आपकी मिडिल फिंगर हो गई, और आपकी फोर फिंगर कहाँ जा रही थी, अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे रख के देखना है आपने, ओके। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। तो ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों पैरेलली प्लेस्ड हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कंडक्टर है, ठीक है, और ये सेकंड कंडक्टर है। दोनों की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। हमने शुरू में जब बायोट सेवेट लॉ किया था तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, ओके। हमने क्या किया था बायोट सेवेट लॉ से कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, उसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होती है, ओके। उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है, वो एक्सप्रेशन था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू इंटू आई डिवाइड बाई आर, ओके। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चारों ओर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने एक अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है, तो अगर हम कोई एक और कंडक्टर यहाँ पर ले आते हैं जो जिसमें उस जिसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये वाला जो कंडक्टर था इसने एक मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में बना ली है, और कोई हम नया कंडक्टर लेके आ गए, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस वाले कंडक्टर ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी थी। अब हम एक और करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ ले आए, ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया है तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगी, ओके। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख देते हैं तो उसको एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये कंडक्टर आपका करंट कैरी कर रहा है तो इसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी अपने सराउंडिंग में, और ये जो दूसरा कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है तो इसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई हुई होगी, ओके। तो ये दोनों कंडक्टर क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। इसने भी करी है और इसने भी करी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने कुछ इस तरह से बनाई हुई है और इसके द्वारा दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी हुई है, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हैं और दोनों ही करंट कैरी कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, ओके। तो होता क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट इज़ फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होता है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, खींच लेगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच लेता है, ओके। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर जाते हैं, ओके। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि करंट इस एक वाले में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे वाले में करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इसको इस तरफ फोर्स देगा और ये दूसरा इसको इस तरफ फोर्स देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है,
ओके तो यही एक्सप्रेशन हम करने जा रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक वाला कंडक्टर ये है, ठीक है। पहले इसको स्टडी करते हैं हम। अगर ये I1 करंट यहाँ पे इसमें फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी इसके कारण एक सर्कुलर लूप में होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या किस तरह से आती है, एक सर्कुलर लूप में आती है, ओके इस तरह से। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे ऐसे अंदर की तरफ। होता क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने थंब को, जो मेरा राइट हैंड का थंब होगा, उसको मैं, ये जो आपका कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दूंगा ऐसे, ठीक है। मैंने थंब को ऐसे रख दिया। अब मेरी जो चार फिंगर्स हैं बाकी, उनको मैं कर्ल करूँगा। अब अगर मैंने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा है, तो मेरी जो मेरे राइट हैंड की जो बाकी की चार फिंगर्स होंगी, वो कर्ल होके ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि इस, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जारी होगी ऐसे, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट पी के ऊपर एक दूसरा कंडक्टर आई टू है, ओके। तो बोलने का मतलब, ये जो आपका कंडक्टर है जिसमें आई वन करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसके कारण जो दूसरे कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है, वो ऐसे इस तरफ अंदर की तरफ जा रही है, ओके। और इस वाले कंडक्टर में जो करंट है वो I2 ऐसे फ्लो कर रहा है, और इसको जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, वो ऐसे इस तरह से जा रही है, ओके, ठीक है। तो अब मैं कैसे बताऊं कि इसको फोर्स किस तरह से लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखते हैं, करंट जा रहा है इस कंडक्टर में इस तरह से I2, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरह से अंदर की तरफ, इनसाइड द स्क्रीन, ओके। अब यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक तो हो गया आपका ये वाला करंट वाला, और एक ही हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू वैक्टर एल क्रॉस वैक्टर बी होता है, ठीक है। तो जो वैक्टर एल है, ये करंट की डायरेक्शन वाला वैक्टर होता है, और ये क्या है आपका वैक्टर बी। अगर आप एल से बी की तरफ स्क्रू को घुमाओगे, ठीक है, बोलने का मतलब एल से बी जाएंगे तो इस तरह से आएंगे आप, ठीक है। ये आपका एल है, दिस इज़ योर वैक्टर एल एंड दिस इज़ योर वैक्टर बी, ठीक है। बोलने का मतलब, अगर आप एल से बी की तरफ अगर आप किसी चीज़ को घुमाओगे, बोलने का मतलब अगर आप बोतल के ढक्कन को ही घुमाते हो एल से बी इस तरह से, तो आपका ढक्कन ऐसे इस तरह अंदर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स होगी, ठीक है, बोलने का मतलब अगर आप स्क्रू को इस तरह से घुमाओगे, तो स्क्रू इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। या तो आप बोतल के ढक्कन को ऐसे घुमाओगे, तो बोतल का ढक्कन ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, है ना। तो ये है हमारा वेक्टर एल, और ये है हमारा वेक्टर बी, ठीक है। एल से जब बी की तरफ चीज़ को घुमाएंगे, तो ऐसे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ की होगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी थी इस पॉइंट के ऊपर इस कंडक्टर ने, इसकी वजह से इस कंडक्टर को जो फोर्स लगी वो इस डायरेक्शन में लगी, ठीक है, इसने अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। और उस फोर्स की वैल्यू होगी आई इंटू एल इंटू बी, ओके, ठीक है, आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है। बी क्या है, बी है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि इस तरह से है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और ये जो बी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हम बायो सेवेट्स लॉ में देख चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर ढंग से देखे हैं, तो आपको पता है कि एक, ये जो इनफाइनाइट लेंथ का जो कंडक्टर होता है, जिसमें आई वन करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट टू पाए
टू इंटू, यहाँ पे आई वन होगा, आई वन, ये आई टू गलत लिख दिया है, टू आई वन डिवाइड बाय आर, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई वन, ओके। और जो फोर्स लगी दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एफ वन होगा, कहाँ लिखा है, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, एफ टू, क्योंकि ये किस पे लगी, सेकंड कंडक्टर पे लगी है, ठीक है। तो इसको क्या बोला हमने, एफ टू लगी किसकी वजह से, इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में थी, इस पॉइंट के ऊपर, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो F2 है दैट इज़ B2 टू इंटू आई इंटू एल, ठीक है, सॉरी B1, ठीक है, जो F2 है, जो ये F2 है, ये B1 की वजह से था ना, ठीक है, तो यहाँ पे B क्या होगा, B1, और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा B1 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन डिवाइड बाई आर, ओके, इंटू आई टू, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो हमने वन पुट कर दी है, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एक यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए अगर हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो L की वैल्यू वन पुट कर दी गई है, ठीक है, V1 की वैल्यू पुट कर दी, ओके। करंट I2 है, जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ I2। चलिए अब देखते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कि जो F2 है दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन इंटू आई टू बाई आर, ओके। दिस इज़ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर, ओके। तो सिमिलरली जो एफ वन होगा वो भी आपकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है। अगर आप देखें तो ये जो कंडक्टर है इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑन दिस कंडक्टर, ठीक है, वो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे आउटवर्ड होगी। क्यों होगी, वंस अगेन आपने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है ऐसे, ठीक है। अब जो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, अगर आपने अपने राइट हैंड के थंब को इसके करंट की डायरेक्शन में रखा, ये आपका थंब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब आपकी फिंगर जो कर्ल होंगी, ठीक है, वो इस पॉइंट के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगी कर्ल करती हुई, ठीक है। अगर आप थंब को ऐसे करंट की डायरेक्शन में रखोगे, अगर आप थंब को यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो आपकी फिंगर्स कर्ल होती हुई इस पॉइंट के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगी। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, वो आपका बाहर की तरफ है। यहाँ पे कैसे था, यहाँ पे अंदर की तरफ था, यहाँ पे बाहर की तरफ है, ओके। करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ आई, ठीक है, बोलने का मतलब वेक्टर एल क्या है, ऊपर की तरफ, जिस साइड को करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर एल होता है, ठीक है। तो दोबारा से हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। तो हम L से B की तरफ अगर बोतल के ढक्कन को घुमाएंगे ऐसे, L से B की तरफ, इस तरह से L से B की तरफ, अगर आप बोतल के ढक्कन को ऐसे घुमाओगे या तो स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू आएगा इस तरफ को, ठीक है। तो बोलने मतलब यहाँ पे जो F1 है फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो इस तरह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो B2 होगा वो भी आपका इसी से आएगा, ठीक है, B2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट I1 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी I2 हो जाएगा यहाँ पे, पहले I1 करेक्ट करवाया था मैंने आपको, I1 ना, ठीक है। तो ये जो B2 होगी, ठीक है, B2 किसकी वजह से है, ये जो I2 इसमें फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो B2 इसकी वजह से है, ओके। तो सिमिलरली हमारे पास F1 के लिए भी सेम ही एक्सप्रेशन बन जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये है B2, टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई टू बाई आर,
ओके, ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई है, डायरेक्टर आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्ट करेगा। तो ये हमारा F1 और ये आया था हमारा F2, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, F1 और F2 क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, ओके। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हैंस वी कंक्लूड दैट टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर एक में करंट ऐसे मूव कर रहा है और एक में नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ओके। और फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो इस लेक्चर को दोबारा से देखिए, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, ओके। थैंक यू।